सोहेल खान की जंगल एडवेंचर फिल्म शेर खान पर कब से काम शुरू करेंगे सलमान खान? 54 साल के सलमान खान किस लिए बिना शादी किए बनना चाहते हैं पिता, और किसकी खातिर उठाने जा रहे हैं ये कदम? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। तो भैया, देश दुनिया में कोरोना का कहर अभी भी कम नहीं हुआ है। रोज हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इसी वायरस की वजह से रोज कई लोगों की जान भी जा रही है। भारत में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 2 शुरू हो गया है। इसमें लोगों को घर से बाहर निकलने के साथ कई सुविधाएं भी दी गई हैं। और वहीं आम जनों की तरह ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी जरूरत के हिसाब से घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में सेलिब्रिटी से जुड़ी कहानी, किस्से, थ्रोबैक फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच सलमान खान का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने शादी और खुद के बच्चों को लेकर बात। उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की है कि वो जल्द ही पिता बनना चाहते हैं। आज की बात करें तो वो जल्द ही बिग बॉस के सीजन की शूटिंग शुरू करेंगे। खबरों की माने तो इस बार सीजन की शूटिंग सलमान खान के फार्म हाउस पर हो सकती है। ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान बच्चों को बेहद प्यार करते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तय किया है कि वो सरोगेसी के जरिए अब पिता बनेंगे। सलमान खान को अक्सर अपने भांजे भांजी के साथ खेलते और मस्ती करते देखा गया है। वो छोटी बहन अर्पिता के बच्चे आहिल और आयात को बेहद प्यार करते हैं। वही अपने भाइयों के बेटों के साथ भी खूब मस्ती करते नजर आते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा कि वो शाहरुख खान और करण जौहर की तरह सरोगेसी के जरिए पिता बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान अब शादी करने के मूड में नहीं है, और अब उन्होंने तय किया है कि वो खान फैमिली में अपने बच्चों को भी शामिल करेंगे, इसीलिए वो जल्द सरोगेसी का सहारा लेंगे। फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे शादी की योजना के बारे में पूछा गया तो सलमान खान ने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता कि अभी समय खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा और मेरा बच्चा 20 साल का होगा तो मैं इसे बेहतर महसूस करूंगा। यही वजह है कि मैं अभी या निकट भविष्य में एक बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि माँ और पिताजी मेरे बच्चे को देखें। बता दें कि सलमान खान के कई एक्ट्रेस के साथ लिंकअप्स रहे हैं। इतना ही नहीं, संगीता बिजलानी के साथ तो इनकी शादी की पूरी तैयारी तक हो गई थी, लेकिन एन मौके पर सलमान खान ने शादी से मना कर दिया था। सलमान खान का वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐसी खबरें हैं कि उनकी फिल्म राधे इस साल दिवाली पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म के सेट प्रोडक्शन पर काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा वो कभी ईद कभी दिवाली शेर खान किक 2 में भी नजर आएंगे। इस बीच सलमान खान के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग के बाद सलमान खान डायरेक्टर सोहेल खान यानी कि उनके भाई की फिल्म शेर खान का काम शुरू कर सकते हैं। इससे पहले कुछ कारणों से फिल्म को होल्ड कर दिया गया था, लेकिन इस पर काम कभी नहीं रुका, और अब सारी चीजें सेटल होने के बाद टीम जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकती है, क्योंकि स्क्रिप्ट पर माता पच्ची जारी है और इसका काफी पूरा काम कर लिया गया है। फिल्म में VFX का अहम रोल होगा, जिससे फिल्म में एडवेंचर और बढ़ेगा। बता दें, साल 2011 में कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस में सोहेल खान ने इस फिल्म की घोषणा की थी। इसमें उन्होंने कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी लेने का वादा किया था। जहां तक बात है किक 2 की, तो सूत्रों का कहना है कि इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप शेर खान के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या सलमान खान और कपिल शर्मा दोनों मिलकर शेर खान में धमाल मचा पाएंगे? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।